20वीं सदी के भौतिकी को अक्सर प्रकृति के सशक्त और शक्तिशाली वैज्ञानिकों के एक जोड़े से परिभाषित किया जाता है, यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे सिद्धांत जो कि 1915 और 1925 के वर्षों में दुनिया में लाए गए थे। लेकिन इन वर्षों के बीच 1918 में एक और महान वैज्ञानिक आया जो कि अकेले ही 20वीं सदी के भौतिक विज्ञान को परिभाषित करने में सक्षम था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड फिनमैन की। एक अमेरिकी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संस्करण में व्यापक रूप से भौतिकी में सबसे ब्रिलियंट और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। फिनमैन पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स ऑफ द सुपर फ्लूइडिटी ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड हीलियम और पार्टिकल फिजिक्स में भौतिकी में उनके काम के लिए जाने जाते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के विकास में उनके योगदान के लिए जेलियन श्रिंगर और सिनिचिरो के साथ संयुक्त रूप से फिनमैन को 1965 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब तक हमने जाना रिचर्ड फिनमैन भौतिकी में एक महान वैज्ञानिक क्यों माने जाते हैं, अब चलिए उनके बायोग्राफी को जानते हैं। न्यूयॉर्क शहर के सुदूर रॉकवे में जन्मे फिनमैन रूसी और पोलिश यहूदियों के वंशज थे जो 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में आए थे। आर्थिक रूप से उनका परिवार ना तो अमीर था और ना ही गरीब, मेरा मतलब वे एक आरामदायक जीवन यापन करते थे पर अमीर नहीं थे। ल्यूसिले फिलिप्स एक होममेकर और मेलविले आर्थर फिनमैन एक सेल्स मैनेजर रिचर्ड फिनमैन के माता पिता थे। अल्बर्ट आइंस्टीन और एडवर्ड टेलर की तरह रिचर्ड भी देर से बात करने वाले थे। युवा रिचर्ड अपने पिता से बहुत प्रभावित थे जिन्होंने रिचर्ड को रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया और जो हमेशा फिनमैन को कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहते थे। युवा रिचर्ड को इंजीनियरिंग में रुचि थी, हालांकि उनके माता पिता इस बात से खुश थे पर वे फिनमैन को एक वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। 25 फरवरी 1924 को 4 हफ्ते की उम्र में रिचर्ड फिनमैन के छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उस समय फिनमैन केवल 5 वर्ष के थे। 4 वर्ष बाद रिचर्ड फिनमैन की बहन जोनवास पैदा हुई और परिवार क्वींस के सुदूर रॉकवे में चले गए। जोन और रिचर्ड फिनमैन दोनों के सोच एक जैसे थे क्योंकि दोनों के अंदर ब्रह्मांड और प्रकृति के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। खगोल विज्ञान का अध्ययन करने की जोन की इच्छा के बारे में उनकी मां की अस्वीकृति के बाद भी रिचर्ड ने अपनी बहन को ब्रह्मांड को जानने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रकार रिचर्ड की बहन बड़ी होने के बाद पृथ्वी और सोलर विंड के बीच इंटरैक्शंस में विशेषज्ञता प्राप्त करके एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनी। 15 वर्ष के उम्र में ही रिचर्ड ने खुद को ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस्ड अलजेब्रा, इनफाइनाइट सीरीज, एनालिटिक ज्योमेट्री, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस सिखा लिया था। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले रिचर्ड मैथमेटिकल टॉपिक्स पर एक्सपेरिमेंट करके विभिन्न मैथमेटिकल नोटेशन और स्पेशल सिंबल्स तैयार किए ताकि उन्हें लॉगरिथम, साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस को पहचानने में आसानी हो। युवा रिचर्ड ने मैथमेटिक्स में महारत हासिल कर लिया था। रिचर्ड ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय से भौतिकी का अध्ययन किया जहां उन्होंने फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन करने के लिए एक मूल और स्थायी दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया। रिचर्ड ने 1942 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट प्राप्त की। प्रिंसटन में रिचर्ड के सलाहकार जॉन व्हीलर के साथ उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक अप्रोच विकसित किया। इस अप्रोच ने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा विकसित वेव ओरिएंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्चर को अंतरिक्ष और समय में मैप किए गए पार्टिकल इंटरैक्शंस पर पूरी तरह से बदल दिया। असल में फिनमैन के मेथड ने किसी पार्टिकल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकने की सभी संभावित पथों की संभावनाओं की गणना की।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिनमैन को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिकी एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के कर्मचारी सदस्य के रूप में और फिर न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस के न्यू सीक्रेट लेबोरेटरी में स्टाफ मेंबर बना लिया गया। लॉस एलामोस में फिनमैन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्योरेटिकल डिविजन में सबसे कम उम्र के ग्रुप लीडर बने। उस डिविजन के प्रमुख हैंस बेथे के साथ उन्होंने परमाणु विस्फोट की ऊर्जा उपज को जानने के लिए एक सूत्र तैयार किया। फिनमैन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के विशाल मात्रा के कैलकुलेशन के लिए नई मशीनों का उपयोग किया। सभी परीक्षण पूरे करने के बाद उन्होंने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के पास एक परमाणु बम का पहला परीक्षण विस्फोट देखा। हालांकि उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहजनक थी, लेकिन बाद में उन्होंने परमाणु बम के बल के बारे में चिंता महसूस की और सोचा जिसे उन्होंने और उनके सहयोगियों ने मिलकर सफल बनाया वह दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने के बाद रिचर्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक सहयोगी प्रोफेसर बन गए और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर अपना अध्ययन जारी रखा। फिनमैन ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को रिमेड किया। दोस्तों, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लाइट और मैटर के बीच के इंटरैक्शन के सिद्धांत को कहा जाता है। 1948 तक रिचर्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पूरा करके पुराने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अर्थहीन सिद्धांत को हल किया। उन्होंने सिंपल डायग्राम्स पेश किए जिन्हें अब फिनमैन डायग्राम्स कहा जाता है। 1950 में वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर बने। कैलटेक में रिचर्ड फिनमैन के लेक्चर्स क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल प्रोसेसेस में विकसित हुए। 1961 में उन्होंने कैलटेक में प्रारंभिक फिजिक्स टेक्स्ट बुक को पुनर्गठित करना और पढ़ाना शुरू किया। कैलटेक में उनके वे लेक्चर्स द फिनमैन लेक्चर्स के नाम से पब्लिश हुए, जो कि एक क्लासिक टेक्स्ट बुक बन गया। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के विकास में उनके योगदान के लिए जेलियन सिंगर और सिनिचिरो टामोनागा के साथ संयुक्त रूप से रिचर्ड फिनमैन को 1965 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिनमैन रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी चुने गए और 1979 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस से भी सम्मानित किए गए। कैंसर के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1988 में रिचर्ड फिनमैन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन्होंने एक लोकप्रिय प्रसिद्धि हासिल की। फिनमैन की विशेष उपलब्धियों ने मॉडर्न फिजिक्स के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।